कभी कभी ध्यान चला जाता है कि इन टैबलेट्स के बीच में खाली स्पेस क्यों होता है। ये बात केवल आप ही नहीं बल्कि कई लोग सोचते हैं। उन्हें लगता है कि जब इस खाली स्पेस में दवाई नहीं होती तो ये स्पेस किस लिए होता है। तो जानिए इसके बारे में कुछ ऐसी बातें जो आपको पता नहीं होंगी। दरअसल दवाइयों के बीच में जो खाली स्पेस होता है वो दवाइयों के केमिकल्स को आपस में मिलने नहीं देता। इससे दवाइयाँ खराब नहीं होती, जिससे आप किसी भी तरह के रिएक्शन से बच सकते हैं। ये दवाइयों को बचाए रखने के लिए होता है। पत्तों में बने खाली स्पेस दवाइयों को कहीं भी ले जाने के लिए बनाए जाते हैं। ये एक तरह से कुशिंग इफेक्ट की तरह काम करता है। इससे ही दवाइयाँ एक साथ नहीं मिलती। इन खाली जगहों की वजह से ही दवाइयाँ पैकिंग मशीन के बीच फंसती नहीं है। इसका ये कारण है प्रिंट एरिया को बढ़ाना। कई बार दवाई के इतने बड़े पत्ते में एक ही गोली होती है। ऐसे पत्ते के पीछे प्रिंट की जाने वाली डेट, कंपाउंड एक्सपायरी डेट आदि जानकारियों को छापने के लिए जरूरत होती है। इसके लिए खाली स्पेस बनाए रखना जरूरी है। कई बार डॉक्टर सप्ताह में एक ही बार आपको दवाई लेने के लिए कहते हैं। ऐसे में पत्तों को काटने से बचाने और दवाई की सही डोज के लिए भी ये स्पेस बना दिया जाता है। ऐसे में आप दवाइयों के अलग अलग पत्तों को खरीदने जाएंगे तो आप इस चीज पे जरूर ध्यान दीजिएगा। और ऐसे में आप दवाई अलग अलग पत्तों को खरीदेंगे जिससे आपके डोज सही रहें और आप कम या ज्यादा डोज ना रखें। SPN9 न्यूज रूम की रिपोर्ट।